आप सबको एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 2 का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंस लिखा है, टेन नहीं लिखा। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी नंबर को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। ज़ीरो की जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर यूनिट है, और वन की जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर टेंस है। तो ये इस टेंस की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिख लूँ तो भी ये टेंस की बात होगी। अगर मैं यहाँ पर 30 लिख लूँ तो भी ये टेंस की बात होगी। 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 230। जो भी चीज़ 10 से मल्टीप्लाई होती है उसके साथ आप यहाँ पर 23 को एज इट इज़ लिखें और उसके साथ डायरेक्ट यहाँ पर ज़ीरो लगा लें तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप 459 को देख सकते हैं कि इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर आया है 459 को एज इट इज़ लिखा, और 10 में एक ज़ीरो होता है तो ये एक ज़ीरो हमने इसके साथ लगा लिया, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो 4590 हुआ। इसी तरह मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 345, इसको भी मैं 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 345 को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके साथ मैंने ज़ीरो को लगा दिया। इसी तरह एक और नंबर ले लें 5647, इसको भी अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 5647 को एज इट इज़ लिखा और मैंने इसके साथ ज़ीरो लगा लिया। तो ये तो तमाम नंबर्स हैं जिनको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नंबर को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया है। हम किसी भी नंबर को 10, 20, 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 45 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा किया है कि 45 को मैंने एज इट इज़ ले लिया। इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड ये है और सेकेंड मेथड ये है। फर्स्ट मेथड में मैंने ये किया है कि 45 को एज इट इज़ ले लिया, 20 को मैंने सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर दिया 10 टू टाइम्स। इसको हम 10 की तरह डायरेक्ट हम जीरो के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, फिर इसका आंसर गलत आएगा। लिहाजा 20, 30, 40 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम यहाँ पर पहले सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, इसके बाद 45 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 450 आ गया। 45 को एज इट इज़ लिखा, 10 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसके साथ मैंने सिंपल ज़ीरो लगा लिया, और इसको सेपरेटली मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो द आंसर इज़ 900। इसी क्वेश्चन को फिर आप ऊपर नीचे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके ये दो मेथड हैं। तो मैंने इसको सेकंड मेथड से भी किया है, 45 को ऊपर रखा, 20 को नीचे रखा। सबसे पहले आप 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 5 टाइम 0 आ जाएगा नीचे, फिर 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 4 टाइम 0। फिर हम फर्स्ट 0 के नीचे यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दिया। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम 10 आ गया। हम 0 को मैंने लगा लिया और 1 को मैंने कैरी कर लिया। फिर मैं 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 4 टाइम 8, और 1 को मैंने प्लस कर दिया तो 9 आ गया। फिर मैंने इन तमाम को प्लस कर दिया तो लिहाजा मेरे पास आंसर जो है वो 900 आया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको आप हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 423 मल्टीप्लाई बाई 30, तो मैं यहाँ पर 423 को एज इट इज़ लिख लूँगी, 30 को मैं स्प्लिट कर दूँगी। मैंने 30 को स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट
423 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 423, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ मैं सिंपल ज़ीरो लगा लूँगी और 3 को मैं सेपरेटली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12690। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। 423 मल्टीप्लाई बाय 30, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 3 टाइम 0 आ जाएगा। हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 टाइम 0 आ जाएगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इस 0 के नीचे जो है मल्टीप्लाई डाल लेंगे जो है 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। ये 3 ज़ीरोज़ हैं और 1269 है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो चलते हैं इसको प्लस करने की तरफ। तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 12 690। ज़ीरो को एज इट इज़ उतार दिया, 0 के साथ 9 प्लस किया तो 9, 0 के साथ 6 प्लस किया तो 6, 2 को एज इट इज़ उतार दिया और 1 को भी एज इट इज़ उतार दिया क्योंकि नीचे कोई भी चीज़ प्लस करने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले मेथड में और नीचे वाले मेथड में दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम आए हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।